कल तक गली कूचों में धक्के खाने वाला 5 साल का मासूम अमित आज वीआईपी गाड़ियों में बड़े शौक से बैठ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मशाला के मकलोडगंज के स्लम एरिया में रहने वाले एक नन्हे से बालक अमित की, जिसकी 2 मिनट 7 सेकंड की एक वीडियो वायरल हुई थी जो पूरे देश में कोताहुल मचा रही है। आलम यह है कि आज आम से लेकर खास व्यक्ति तक अमित के दीदार के लिए पागल होया जा रहा है। जब मकलोडगंज के थाना प्रभारी की जिप्सी के वोनेट पर अमित अपने पूरे ठाट के साथ बैठकर सबको निहार रहा था, अमित को आज बकायदा नई टोपी, नया मास्क, नए जूते और हर वो खाने की वस्तु जो उसे अच्छी लगती है बैग में ठूस कर भरी जा रही थी, जिसे हासिल करने के लिए कल तक वो गली कूचों में नंगे पैर इधर उधर घूमता था। दरअसल कोविड काल आजकल चल रहा है, मुश्किल से सीमाओं की आवाजाही खोली गई है, मगर शर्त यह है कि हर आवाजाही करने वाले को मास्क पहनना बेहद जरूरी है। हालांकि कई जगहों पर लोग जागरूक हों इसके लिए प्रदेश सरकार ने बकायदा साइन बोर्ड भी लगा के रखे हैं, फिर भी लोग मास्क नहीं पहन रहे थे। जब इस बच्चे ने अपनी मासूमियत के बलबूते पर वो कर दिखाया जो कोई बड़ा नहीं कर पाया था। दुनिया के तमाम फलसफों से लापरवाह 5 साल के अमित ने एक पाइपनुमा लठ लेकर मकलोडगंज के भागसू वाटरफॉल की ओर जाने वाले एक तंग गली में जाकर खड़ा हो गया और वहां हर राहगीर को टोकना भी शुरू किया जिसने मास्क नहीं पहन रखा था। अमित की इसी भोली भाली अदाओं ने गली के एक दुकानदार कैलाश डोबल को इस कदर आकर्षित किया कि उन्होंने इसका वीडियो बना दिया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। वीडियो में इस बच्चे की मासूम अदाओं हर कोई कायल हो गया, उसकी जागरूकता के किस्से खास हो गए और मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंच गया। आलम यह है कि अब कल तक गली कूचों में घूमने वाला अमित आज सभी की नजरों का हीरो बन गया है। प्रशासन ने उसे सिर आंखों पर बिठा लिया है, तो वहीं कई एनजीओ भी अमित के सुनहरे भविष्य के लिए दान पुण्य करने के लिए आगे आ रहे हैं। आपको बता दें कि अमित अपने 2 अन्य भाई बहनों के साथ मकलोडगंज के स्लम एरिया में उन प्रवासी माता पिता के साथ रहता है जो घर द्वार जाकर गैस चूल्हे और कुकर आदि का रिपेयर का काम करते हैं, साथ ही कभी कभार गुब्बारों को बेचने का भी काम करते हैं। खबर लिखे जाने तक अमित सभी की नजरों का तारा बना रहा और उसके माता पिता इस बात से बेखबर पठानकोट जाकर गुब्बारों में हवा भरने का काम कर रहे थे। क्या नाम है बेटे? अमित। अमित किसने रखा है आपका नाम? ये मम्मी ने। मम्मी ने? कहाँ है आपकी मम्मी? पठानकोट गुब्बारे लेने। गुब्बारे लेने पठानकोट गई है? आप क्या करते हैं? गुब्बारे बेचते हैं। गुब्बारे बेचते हैं? तो लोग तो बता रहे थे कि आप लोगों को तंग करते हैं। करते तंग क्यों? क्यों क्यों बेटे बोलो। अच्छा बेटे, आपने वो जो मास्क वाली जो बात करी है वो किसने बताया था आपको ऐसा करने के लिए? बाद में खाना बच्चे, तो किसने बोला था वो? हैं, किसी ने नहीं बोला था, खुद से ही किया? क्या क्या किया था बताओ, एक बार फिर बोलो क्या किया था। मास्क नहीं पहना था। क्या कहा था? मास्क नहीं पहना था, बिना मास्क के घूमते हैं। अच्छा, ये किसने बताया आपको मास्क पहनने से क्या होता है? क्या होता है मास्क पहनने से? नहीं पता? बताओ बेटे, बताओ क्या होता है मास्क पहनने से? ऐसा क्यों कर रहे थे? अमित बोलो बेटा, जैसे कल आप बोल रहे थे। हाँ बताओ ना यार, बताओ शाबाश, फिर आपको और आइसक्रीम खिलाएंगे, ठीक है? बताओ शाबाश, जो आपने क्यों होता? मास्क नहीं पहना था। जोर से बोल, जोर से। मास्क नहीं पहना था ना, उसके लिए मैंने डंडा मारा। उन्होंने क्या किया आपके साथ? जिनको आपने मारा, जिनको आप बता रहे थे, उन्होंने किया कुछ आपको? कुछ नहीं किया। फिर आप कहाँ चले गए थे? ऊपर चले गए थे। क्या करते क्या है आप? क्या करते हैं आप? पढ़ते नहीं, पढ़ाई करते हैं? करते हैं। कहाँ पे? नैनीताल। नैनीताल? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ कब आए थे? यहाँ क्या करने आए? गुब्बारे बेचने। गुब्बारे बेचने? अच्छा, कब आए थे आप? 2 दिन। 2 दिन हुए अभी।
जी आपका शुभ नाम और आप एडमिनिस्ट्रेशन में कौन से पद पे हैं और आज यहाँ? मेरा नाम विचित्र सिंह है, मैं फील्ड कानून को धर्मशाला सेकंड में तहसील ऑफिस धर्मशाला की तरफ से। आज आप मेटलो में पहुंचे और एक बच्चे से खास तौर पर जो रास्ता कायम कर रहे हैं, कौन है ये बच्चा और आप क्यों यहाँ पे आए? ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही थी जो ज़्यादा वायरल हो रही थी, उसको देखने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और प्रशासन की तरफ से हमें यहाँ भेजा गया है। हमने सिर्फ बच्चे के साथ मिल के बात की, इससे पता लगा कि ये बेचारा जो बच्चा छोटा सा, इतना छोटा सा बच्चा है, अभी आप देख रहे हैं कोविड महामारी के तहत इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो हमारे इस वायलेशन कर रहे हैं, कानूनों की अवहेलना हो रही है, इतनी सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रख रहे ख्याल और मास्क नहीं पहन रहे हैं, वहीं इस बच्चे को जो बच्चा ये मतलब कोविड इस महामारी के तहत लोगों को जागरूक कर रहा है, तो ये एक बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली एक वीडियो थी, बात थी, और इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए और इसे बच्चे से मिले और प्रशासन की तरफ से इसको जो हो सकती थी थोड़ी बहुत हमने कपड़े वगैरह देके कुछ हेल्प की है। इसके पेरेंट्स से मिलने की कोशिश करेंगे? हाँ, पेरेंट्स से मिलने की कोशिश की जाएगी इससे। उसके बाद कुछ और आगे का सोचते हैं? और इसके पेरेंट्स से मिलेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या इसकी कैसे मदद की जा सकती है। जिस तरह से ये लड़का कल तक सड़क छाप था, आज वो आपकी गाड़ी पे जाके बैठा रखा है, ये एक्चुअली क्या माजरा क्या है बताइए? एक्चुअली जो ये विश्व में कोविड की महामारी चल रही है, इसमें हमने देखा कि बड़े बड़े लोग जो हैं और जो भी मतलब एज्ड पीपल हैं, टूरिस्ट के तौर पर यहाँ पर आए हैं, वो मास्क जो नहीं पहन रहे हैं, उनको इस बच्चे ने दो दिन पहले सिखाया कि आपने मास्क नहीं पहनना है, जो कि एक गलत बात है। और इस बच्चे ने इस महामारी को अपने छोटे से उम्र में एक बहुत बड़ी महामारी समझा है, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या दूसरे एज्ड पीपल हैं, ये लोग नहीं समझ रहे हैं, तो इस छोटे से बच्चे के दिमाग में छोटी सी कुछ टीस पैदा हुई थी। तो जब इसको हमने पूछा कि आप इस तरीके से आप लोगों को क्या बता रहे थे, तो इसने ये कहा कि मैं यहीं मैकलो चौक पर और मेरे माँ बाप गुब्बारा बेचते हैं और मैं पुलिस को भी देखता हूँ, पुलिस मास्क पहनने के बारे में बताती रहती है और इसी तरीके से मैं भी समझता हूँ मास्क लगाना जरूरी है, तो मैंने इसीलिए लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया था और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी था। लेकिन मुझे भी एक संदेश देना है लोगों को, पर्यटक को, हिमाचल का एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन मैक्लोडगंज है और इसके आसपास के इलाके हैं, और हम भी, पुलिस भी और आम जनता भी लोगों से, टूरिस्ट से ये आशा करती है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जब भी आएँ तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा बचाव है। मास्क को एक वैक्सीनेशन की तरह से समझा जाए, जो कि इस बच्चे ने इसकी गंभीरता को समझा और इसके दिमाग में जो एक तूफान पैदा हुआ, तो इसके उसके परिणाम स्वरूप इसने लोगों को जागरूक किया है।